मध्य प्रदेश में मौसम धीरे धीरे शांत होता दिख रहा है। गुरुवार को रीवा, सतना, सिंगरौली, ढिंडोरी, बालाघाट, मऊगंज, सिवनी, अनूपपुर और मेहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जबकि बाकी जगहों पर हल्की बरसात हुई। फिलहाल अगले 3-4 दिनों के लिए भारी बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है। हालांकि आज बालाघाट और ढिंडोरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि बाकी जिलों में कहीं कहीं बौछारें गिर सकती हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर VS यादव ने बताया कि तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की वजह से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 2 दिनों में उत्तर की ओर बढ़ सकता है। मॉनसून ट्रफ लाइन इस समय सूरतगढ़, रोहतक, उरई और मंडला होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली है, जिससे अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में बारिश का असर धीरे धीरे कम हो सकता है। भोपाल में अब बारिश से काफी हद तक राहत की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार शहर के बैरसिया, नवीन बाग, अरेरा हिल्स, बैरागढ़, नरेला और कोलार्क समेत अन्य क्षेत्रों में कहीं धूप तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में बारिश से फिलहाल राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 1 जून से 5 सितंबर 2024 तक मध्य प्रदेश में औसतन 904.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य औसत 823.9 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर ज्यादा है। प्रदेश के 29 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। बाकी सभी जिलों में कुछ खास बदलाव नहीं है। सबसे ज्यादा बारिश मंडला में 1208.1 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो सामान्य औसत से 16 मिलीमीटर ज्यादा है। भोपाल में अब तक 1096.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 31 मिलीमीटर ज्यादा है। इंदौर, रीवा और उज्जैन सहित करीब 13 जिलों में सामान्य औसत से कम बारिश हुई है। वहीं पिछले 33 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बालाघाट के मलंजन खंड में 75.4 मिलीमीटर, भोपाल में 21 मिलीमीटर बरसात हुई। तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान पृथ्वीपुर और निवाड़ी में 47 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम मलंजखंड बालाघाट में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।